नमस्कार, आज बात करूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ब्रांड बन गया और बहुत सारे लाखों स्टूडेंट के दिमाग पे छा गया। भैया DU जाना है, हमको दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है। कैसे, हाउ दिल्ली यूनिवर्सिटी बिकम द ब्रांड एंड फेमस इन इंडिया, आखिरकार कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी में। लाखों स्टूडेंट आज आपने देखे होंगे जिनके दिमाग में छाया रहता है भैया DU के लिए जाना है, DU के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दिल्ली जानो, मुझे दिल्ली जाना है, क्यों जाना है दिल्ली, आखिरकार ऐसा क्या है DU के अंदर जो कि आज लाखों स्टूडेंट उसके लिए निछावर हो चुके हैं। तो बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी उसके कुछ क्राइटेरिया की। बात करें तो 1822 के अंदर ओपन हुआ है कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी 18 2012। उसके कुछ यूनिक क्राइटेरिया हैं जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है। तो हम जो है एनिमेशन से समझते हैं, आप लोगों को काफ़ी हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको हमारे IIT वाली केस स्टडी तो बहुत अच्छी लगी होंगी। इस वीडियो के ऊपर हम टारगेट कर रहे हैं 10,000 लाइक, ठीक है, 10,000 लाइक अगर आपने कर दिए तो हम IITs पे केस स्टडी लेकर आएंगे, फिर हम IIMs पे केस स्टडी लेकर आएंगे, फिर हम पंजाब के कॉलेजेस, राजस्थान के कॉलेजेस, मुंबई के कॉलेजेस लगातार लेकर आते रहेंगे। आप इसी तरह से हमें प्यार देते रहिए। तो दोस्तों बात करते हैं DU की, DU ने क्या किया। भैया राजस्थान, गुजरात, पंजाब पढ़ने वाले बच्चे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मिश्रण जो है ना, सम्मेलन बहुत सारे बच्चों का है, कॉम्बिनेशन है, कैसे पता करें कौन सा बच्चा अच्छा है, कौन सा बच्चा बुरा है, कौन सा पढ़ पाएगा, क्या कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। DU लेकर आया DU IT टेस्ट, DU IT, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। वो क्या होता है भैया, क्या होता है, जैसे आपने 12th का एग्जाम दिया, आपको टेस्ट गिराने बैठा देगा, भैया टेस्ट दे मेरा, अगर अच्छा मार्क्स आया तो मैं ले लूँगा। बच्चे लोग जाते भैया DU का टेस्ट देना है, DU का देना है, लगातार बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं DU के लिए, DU का टेस्ट लगातार चलता जा रहा था। हालांकि अभी जो है CUET लगता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और सभी के लिए एक ही टेस्ट लगता है, जो कि CUET के थ्रू एडमिशन DU लेता है। अब DU लेता है, ठीक है भैया एग्जाम दे दिया, लेकिन DU में इतने बच्चे अप्लाई कर देते हैं, 7 लाख बच्चे अप्लाई कर देते हैं DU में। भैया बहुत सारी कॉलेजेज है भैया, DU जैसे जैसे बड़ा होता गया, कॉलेजेस खोलते गए, 100 कॉलेजेस खोल दिए, 100 कॉलेज DU में आज रजिस्टर हो चुके हैं। अब DU ने देखा भैया कॉलेज में तो बच्चे लगातार आते जा रहे हैं, सीटें बची नहीं है, क्या करें। DU ने हाथ का प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, आधे बच्चे सुबह पढ़ेंगे, आधे बच्चे शाम को पढ़ेंगे। ओ माय गॉड, तो जो जिनको कॉर्पोरेट करना है, अपना जॉब करना है, वो दिन में अपनी जॉब करते हैं, शाम को 3 to 7, 3 to 8 पढ़ाई करते हैं। वाओ, वेरी नाइस, वेरी गुड आइडिया। बेसिकली DU ने जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया, उसे जो लोअर क्लास स्टूडेंट जो होते हैं पढ़ाई के अंदर, वो छट चुके हैं। DU में परसेंटाइल की अगर बात करें, 100% जाती है, 100% जिनके 100% आ रहे हैं वो DU के अंदर एडमिशन ले लेंगे। DU ने क्या किया, DU IT टेस्ट बनाया, एक तो पहला उसका काफ़ी अच्छा अप्रोच था। बाकी बहुत सारे आपने लल्लू लाल कॉलेजेस देखे होंगे जो कि आपको ऐसे ही एडमिशन दे देते हैं, भैया ले लो मेरे पास एडमिशन ले लो, पढ़ा दूंगा, 5 लाख रुपए दे दो, बस डिग्री दे दूंगा आपको। लेकिन DU की अगर फीस की आज बात करें, एवरेज फीस है 7,000 रुपये, मैक्सिमम आपकी 16-17,000 रुपये फीस लगती है। आज अगर भारत के टॉप एलुमनाई बिजनेसमैन आप जो भी देखोगे, स्पेशली बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बहुत सारे DU से निकले हुए हैं, बहुत पुराना कॉलेज है। DU का जो कल्चर की अगर बात कर लें, DU क्या करता है, बेसिकली DU के अंदर बहुत सारे कॉलेजेज आ गए, बहुत सारे कॉलेजेज DU ने रैंकिंग देना स्टार्ट कर दिया, भैया तुम बहुत सारे लोग हो, तुमको मैं रैंकिंग दूंगा। तो प्रोफेसर ने सोचा, DU के कॉलेजेस का डायरेक्टर ने सोचा, भैया रैंकिंग मिलेगा। तो क्या किया, जो भी सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसको रैंकिंग अच्छा मिलेगा, जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा उसको कम रैंकिंग मिलेगा। अब DU के अंदर प्रोफेसर, खतरनाक प्रोफेसर, एकदम रगड़ने वाले प्रोफेसर, उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को रगड़ना शुरू कर दिया, पढ़ाई करो। तो उनको अच्छा रिजल्ट आने लगे, इस कारण DU की जो रैंकिंग है वो लगातार बढ़ने लगी। अब हमारे इंडिया में क्या होता है, बहुत सारी कॉलेजेस क्या करते हैं, बच्चों को इंडस्ट्री एक्सपीरियंस प्रोवाइड नहीं करते, इंडस्ट्रियल बच्चों को कुछ एक्सपीरियंस होता नहीं है, 4 साल की डिग्री कंप्लीट करते हैं, उनको पता कुछ होता नहीं इंडस्ट्री में क्या पढ़ा, बस रट्टा मार करते जा रहे हैं, बस पढ़ाई कर रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं। DU ने क्या किया, बेसिकली इनोवेशन सेंटर बना दिए, बहुत सारे अलग अलग क्लब्स बना दिए,
डीयू के जितने भी कॉलेजेस है दिल्ली के अंदर बहुत सारी इवेंट ऑर्गेनाइज कराना स्टार्ट कर दिए। बहुत सारी कॉलेजों के बहुत सारी कंपनियां आने लगी, उनको सिखाने लगी, वहां पे अलग अलग इवेंट कराए जा रहे हैं। किसी को डांस करना है, किसी को कॉमेडी करनी है, किसी को स्टैंड अप कॉमेडी करनी है, बहुत सारी कल्चरल इवेंट होने लगे, बच्चों को इंटरेस्ट आने लगा, लगातार इंटरेस्ट आने लगा। बहुत सारे बच्चों ने एक बार क्या किया, एक दफा बच्चों ने जो है बंक मारना शुरू कर दिया, बच्चों का इंटरेस्ट नहीं आ रहा कॉलेज में यार, पढ़ाई नहीं हो रही, मजा नहीं आ रहा, एकदम बाहर चलते घूमने शिमला मनाली चले जाते, बच्चे आते ही नहीं कॉलेज। कॉलेजों वाले दिमाग लगा रहे ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अटेंडेंस लगा दी 75%, 75% तो आना पड़ेगा वरना मैं पास नहीं करूँगा। बच्चों ने सोचो पास तो करेंगे नहीं, बच्चों ने लगातार आना शुरू कर दिया, 75 का क्राइटेरिया लगाना शुरू कर दिया। अब बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपना खुद का नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। डीयू ने क्या किया, अलग अलग कल्चरल इवेंट लगाना शुरू कर दिए, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। जो भी बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं, बच्चे अपना आइडिया पिच करते हैं, बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर आते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, वहाँ पे ले जाके बेच देते हैं, भैया हमने ये बनाया खरीद लो, अपनी डिटेल दे दो हमें, जिस दिन भी बनेगा हम आपको भेज देंगे। काफी अच्छा बनता गया, लगातार बनता गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे फेमस क्या है, उनके टीचर्स, उनकी जो पर्सनालिटी बन रही है बच्चों की, वो टीचर्स की बन रही है। आज बहुत सारे डीयू के कॉलेजेस जो है इंडस्ट्री के अंदर काफी अच्छा नाम है उनका। उस डीयू क्या करता है बेसिकली, बहुत सारे ललूलाल कॉलेजेस क्या करते हैं, ऐसे ही टीचर उठा लाते हैं जिनको कुछ आता जाता है नहीं, उनका प्लेसमेंट किसी पर होता है नहीं, वो आके टीचर बन जाते हैं ललूलाल कॉलेज में। लेकिन डीयू ने ऐसा नहीं किया, डीयू क्या करता है बेसिकली अपने टीचर का एकदम बहुत खतरनाक वाला टेस्ट लेता है। टीचर को पहले बुलाता है, भैया तू एग्जाम दे, टीचर आके एग्जाम देता है, फिर उसका दूसरा टेस्ट लेता है, फिर उसका तीसरा टेस्ट लेता है, फिर उसका क्विज कंडक्ट करता है, फिर से इंटरव्यू राउंड करके टीचर को एकदम रगड़ देता है, एकदम फुल रगड़ देता है, एकदम एक्सपर्ट बन जाता है टीचर। वो जो एक्सपर्ट अगर टीचर बन गया तो बच्चों को एकदम एक्सपर्ट बनाएगा, एकदम अच्छे से पढ़ाएगा, उनको बच्चों को इंटरेस्ट आने लगेगा। अपने डॉक्टर विकास दिव्य कर्ति सर की तो क्लास ली होगी, अगर आपने एक बार क्लास लेना शुरू कर दिया ना, आप छोड़ के नहीं जाओगे क्लास, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। वो डीयू का ही ब्रांड है, वो डीयू के अंदर ही पढ़ाते थे, पर टीचर थे वहाँ के, तो आप देख सकते हो डीयू वालों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। शाहरुख खान जैसे लोग हमारे जो वाजपेयी जी थे वो डीयू के ही स्टूडेंट थे, एंड काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे लुकना जो कि डीयू के अंदर पढ़े हुए। इसके साथ ही डीयू ने क्या किया, डीयू के अंदर 110 के आसपास कॉलेजेज है, बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च कर दिए, यूजी के कोर्स, पीजी के कोर्स, रिसर्च कोर्स, इसके साथ ही इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी लाने लगे। अब बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ थी वो अप्रोच करने लगी, भैया काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं, कंपनियों ने अपना कॉन्टैक्ट कर लिया, टाइप बना लिया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, गूगल, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई वहाँ पे, भैया तुम्हारे बच्चों को हम जो है इंटर्नशिप दे दें, हम आपके बच्चों को जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देते हैं, आप अपने बच्चों को हमारे साथ कोलेब्रेशन करा दो, हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद इनको जॉब दे देंगे। डीयू ने कहा ठीक है भैया। बच्चे क्या करते हैं, ट्रेनिंग के लिए कंपनी के पास जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां उनको इंडस्ट्री एक्सपर्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं और बच्चों को लगातार सीखने को मिल रहा है, बच्चे खूब अच्छे से सीख रहे हैं। उसके बाद डीयू ने क्या किया, कल्चरल एक्टिविटीज कराना शुरू कर दिया, काफ़ी अच्छा हो गया। डीयू के अंदर पढ़ाई काफ़ी अच्छी हो रही है, कल्चरल एक्टिविटी हो रही है, स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि डीयू ने पहले बच्चे ही वही चूज कर रहे थे जो कि काफ़ी अच्छे थे पढ़ने के अंदर, डीयू ने बोल दिया भैया आ जाओ, जिनके 100% आए थे। अब उनके बचपन से ही खून सवार था पढ़ने का, एकदम पढ़ने का खूब इंटेलिजेंट बच्चे थे, आगे बढ़ते गए और आज हमारे देश के अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी पोजिशन पर चले गए। तो ये जो है क्वालिटी एजुकेशन है, बेसिकली काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया जा रहा है, इसके अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट का भी हाथ है, बिकॉज इनका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ डीयू ने बहुत अच्छे अच्छे फैक्टर निकाले, रिजर्वेशन को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया, इसके साथ ही जो भी स्टूडेंट मिडिल क्लास जस लाइक स्पेशल रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं उनको काफ़ी अच्छा मौका दिया, स्कॉलरशिप उनको रखा गया बहुत सारे स्टूडेंट के लिए, इसके साथ ही फीस का काफ़ी अच्छा कंपनसेशन है उनके पास, उनकी जो फीस है वो बहुत कम मिलती है। इसके साथ ही दिल्ली जो है हमारे इंडिया का काफ़ी अच्छा कैपिटल लोकेशन माना जाता है, स्पेशली वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बच्चों को मिल जाती है, स्पेशली किसी भी कंट्री से स्टेट से बच्चा अगर आ रहा है तो उसको लोकेशन का काफ़ी अच्छा फायदा हो जाता है, बच्चे जो है आ जाते हैं, कैपिटल हब है चारों ओर फैला हुआ, बिजनेस है काफ़ी सारा।
तो काफी ज्यादा फेमस होता गया लगातार इस बार। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों की को भी शेयर कर सकते हैं। और आप जो है स्पेशली इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर थोड़ा ध्यान दीजिए, एंड कॉलेजों वालों से भी हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस कराए, ज़्यादा से ज़्यादा इंटर्नशिप लगवाए, प्रोजेक्ट रन अप करवाए। इसके साथ ही डीयू ने जो है काफ़ी सारे प्रोजेक्ट भी बनवाते हैं वो बच्चों से, रियल लाइफ प्रोजेक्ट, ऑफलाइन प्रोजेक्ट की तुम ये जो फाइल सबमिट करो वो 15 नंबर इसी के मिलेंगे। इसके कारण बच्चों को जो काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, काफ़ी कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा हम जो लल्लू लाल कॉलेजों के बारे में भी बताएंगे आपको कि लल्लू लाल कॉलेजेस क्या करते हैं क्या नहीं करते। थैंक यू सो मच।